हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्यूटीफुल टॉप बनाने का तरीका बताऊंगी। ये टॉप मैं 1 मीटर कपड़े में बनाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने कपड़ा ले रखा है और इसको डबल फोल्ड कर रखा है और इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल बराबर इस प्रकार से हमें फोल्ड कर लेना है बराबर मिलाते हुए। ये बहुत ही सुंदर टॉप बनेगा। जींस वगैरह पर हम इसको पहन सकते हैं। यहाँ से हमें एक सीधी लाइन लगा लेनी है इस प्रकार से। लगाने के बाद हमें इसकी जो लंबाई है टॉप की वो देखनी है। तैयारी मेरे को रखना है 22 इंच। 3 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूंगी। इसको मैं 25 इंच तक कट करूंगी और यहाँ पे हमें सीधी लाइन लगा देनी है। अब हमें पहले तीरा कट करना है। तीरा मैं रखूंगी यहाँ पे 7 इंच और जो आर्म होल है वो भी रखूंगी 7 इंच और जो इसकी चेस्ट है वो तैयारी मेरे को रखनी है 36 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 9 इंच मार्जिन है। ये जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है इसका मैं मार्जिन रखूंगी। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहां से मैं ऊपर की साइड से 14 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगी इस प्रकार से और कमर मेरे पास है 31 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच। यहाँ पे भी मार्जिन 1.5 इंच रखूंगी और इसको इस प्रकार से मिला लेंगे और जो ये कटिंग करनी है इसको भी मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें जो ये हमारा आर्म होल है यहाँ से हमें रखना है चौक के लिए। चौक यहां से मैं रखूंगी 12.5 इंच। 12.5 इंच में यहाँ जो हिप है वो मेरे पास है 36 इंच। 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच। 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच होगा। यहाँ 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आपका जो भी चौथा हिस्सा हो आप उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगा सकते हैं और यहां से हमें सीधा रख लेना है और यहां से गोलाई में सेप देना है और इसको कट कर लेना है। ये टॉप बहुत ही सुंदर बनेगा और ये मैं वैसे डिजाइनर भी बनाऊंगी। कटिंग इसकी सीधी करूंगी और बाद में इसको हम डिजाइनर बनाएंगे। अगर आपको इसी तरह की मेरी वीडियो देखनी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। अब हमें पहले बाजू कट करनी है। जो आगे से हमारा कपड़ा बचा है उसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। इसको भी हम 4 फुट में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है वो 7 इंच में कट किया है। ये वाला कपड़ा 4 फुट में 9 इंच होना चाहिए कम से कम और बाजू की लंबाई ले लेंगे। जो बाजू की लंबाई है वो तैयारी मेरे को रखनी है 13.5 इंच। 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूंगी यानी 15.5 इंच। इस प्रकार से सीधा निशान लगाएंगे और बाजू की मोहरी का नाप है वो 10 इंच, उसका आधा 5 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहां से हमें 2.5 इंच की सेप देनी है और इसको इस प्रकार से सीधा रखते हुए फिर गोलाई में सेप देते हुए कट कर लेना है और इसको इस प्रकार से मिला लेना है और हम कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये बहुत ही आसान होने वाला है। अब हम गला कटिंग करेंगे। बाजू मैंने कट कर ली है। गले में पहले हम आगे का गला कट करेंगे। यहाँ से तीरे वाली साइड से रखेंगे 3 इंच और जो लंबाई है वो मैं रखूंगी 7 इंच और यहाँ पे जो गला है वो मैं थोड़ा सा इस शेप में दूंगी इस प्रकार से। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं और जो पीछे का गला है वो मैं यहाँ से तो 3 इंच ही रखूंगी लेकिन उसकी गहराई भी 3 इंच रखूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग गले कट कर सकते हैं छोटे या बड़े। ये हमने आगे और पीछे के दोनों गले कट कर लिए हैं। अब हमें ये पट्टी लेनी है और जो हमारा ये कुर्ती का कपड़ा है उसी मैचिंग का कपड़ा लेना है और हमें इस प्रकार से डबल फोल्ड कपड़े पे इस प्रकार से रखते हुए यहाँ पे इसके बराबर बराबर निशान लगा लेने हैं।
और एक निशान एक एक इंच की दूरी पे लगाएंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जो पीछे का भाग है इसको भी रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने पट्टियां कट कर ली हैं। अब जो इसकी ये साइड है इसको पहले से फोल्ड कर लेंगे, दोनों हिस्सों की पट्टियां को फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो हमारा गला है उसको लेंगे, सीधा करेंगे और यहां से हमें गले को ले लेना है। और इस प्रकार से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। यानी हम जो नॉर्मल तरीके से गला बनाते हैं उसी तरीके से आगे और पीछे के गले बना लेंगे। ये हमने गले तैयार कर लिए हैं। अब हम तीरा ज्वाइंट करेंगे, दोनों हिस्सों को बिल्कुल बराबर मिला लेंगे और तीरा ज्वाइंट कर लेंगे। तीरा ज्वाइंट करने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से बराबर मिलाएंगे और यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। जिस प्रकार से हमने निशान लगाए उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी होगी। ये फिटिंग वाली सिलाई मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब जो हमारे साइड वाले हिस्से हैं इनको इस प्रकार से यहाँ से फोल्ड करेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड वाले हिस्से पे लगा लेंगे। और जो हमारा नीचे का हिस्सा है उसको भी इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें किनारे की लगानी है। ये नीचे की सिलाई करने के बाद हमें इसको इस प्रकार से लेना है। और जो हमारी ये कमर वाली साइड है यहाँ पे, जो ये हमारी कमर है यहाँ पे हमें लगभग 2.5 इंच दोनों साइड लास्टिक को लगाना है। और लास्टिक को हमें इस प्रकार से रखते हुए, ये देखिए जो ये हमारी कमर वाली साइड है यहाँ पे 2.5 इंच उधर और 2.5 इंच उधर इस लास्टिक को रखेंगे। लास्टिक बिल्कुल पतला है, बारीक लास्टिक लेना है आपको। और इस प्रकार से खींचते हुए इस प्रकार से खींचेंगे। और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है यहाँ पे इस मार्जिन को इस प्रकार से साइड में निकालते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से खींचते हुए ही लगाना है ताकि इसका लुक बहुत ही अच्छा आए। इस प्रकार से लगाते हुए हमें कट कर लेना है। और इसी प्रकार जो दूसरी साइड फिटिंग की सिलाई है कमर में वहां पे भी हमें ये इलास्टिक इसी प्रकार से लगाना है। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पे भी हमें डिजाइन बनाना है। अब हमें ये डोरी है जो मैंने फूंदे भी बना रखे हैं और ये बीच से जुड़ी हुई है, यहाँ जो बीचों बीच का ये हिस्सा है इस पर इस प्रकार से रखते हुए इस डोरी को सिलाई में अटैच कर देना है। इसी प्रकार से एक डोरी दूसरी साइड लगेगी और दूसरी साइड लास्टिक भी डलेगी। ये डिजाइन हमने दोनों साइड बना लिया और बाजू भी हमने इसकी लगा ली है, क्योंकि बाजू हमने जो नॉर्मल कपड़े की चढ़ाते हैं उसी प्रकार से चढ़ाई है, इसलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। और ये टॉप हमारा बनके तैयार हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।